मेटा के लिए यूरोप में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद कंपनी वहां अपनी कुछ सेवाओं को बंद कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मेटा ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बताया है कि अगर कंपनी को अपने यूरोपीय यूजर्स का डेटा अमेरिकी बेस्ड सर्वर पर ट्रांसफर, स्टोर और प्रोसेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। आइए आपको बताते हैं कि मेटा की परेशानी आखिरकार है क्या। यूरोप में फिलहाल डेटा ट्रांसफर को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक कंपनियों को प्राइवेसी शील्ड और दूसरे मॉडल एग्रीमेंट्स के जरिए डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा था। मेटा इन्हीं की मदद से यूरोपीय यूजर्स का डेटा अमेरिकी सर्वर पर स्टोर कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों इस कानून को अमान्य कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में मेटा ने बताया है कि अगर एक नया फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया या उन्हें मौजूदा मॉडल इस्तेमाल नहीं करने दिया गया तो कंपनी यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सेवाएं नहीं दे सकेंगी। पहले यूरोपीय डेटा को अमेरिकी सर्वर पर ट्रांसफर करने के लिए कंपनियां प्राइवेसी शील्ड कानून का इस्तेमाल कर रही थी, हालांकि 2020 में यूरोपीय कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। प्राइवेसी शील्ड के अलावा मेटा यूरोपीय यूजर्स का डेटा अमेरिकी सर्वर पर स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये मॉडल एग्रीमेंट्स में भी ब्रुसेल्स समेत यूरोप के कई दूसरे हिस्सों में जांच के दायरे में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।